गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शीतल कुमारी जामनीकांत गेट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम DLS सेकंड सेमेस्टर के हिंदी मैटर पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमें श्रवण साधन को देखना है। श्रवण साधन अर्थात शिक्षण के ऐसे साधन जिसे सुनकर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, या एक सहायक सामग्री होती है जो शिक्षण कार्य में हमारी सहायता करती है। इसमें हम देखेंगे टेप रिकॉर्डर। आज के युग में शिक्षा के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को, जैसे जानवरों की ध्वनियां, चिड़िया की ध्वनियां, या विभिन्न व्यक्तियों के वक्तव्य को रिकॉर्ड कर रखा जाता है, फिर इसे सुनाया जाता है। यह एक ऐसा साधन है जो हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इसके कई महत्व है जो एक शिक्षण कार्य में एक शिक्षक की सहायता करते हैं। पहला, ध्यान केंद्रित करने में या आध्यान में, अर्थात एक कक्षा में छात्रों का ध्यान शिक्षण विषय बिंदु पर रहे, इसके लिए श्रवण साधन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब छात्र श्रवण साधन को सुनते हैं तो उनका पूर्ण ध्यान उस विषय बिंदु पर ही रहता है, जिससे उनकी अवधान शक्ति का विकास होता है। दूसरा है श्रवण शक्ति का विकास, अर्थात सुनने की शक्ति का विकास। छात्र श्रवण साधन द्वारा अपने श्रवण शक्ति का विकास करता है, वह एक अच्छा श्रवणकर्ता, एक अच्छा लिसनर बनता है। साथ ही साथ वह उसे सुनकर अपने मस्तिष्क में उससे संबंधित विषय बिंदु पर स्मृतियां बनाने लगता है। जैसे एक कक्षा में, एक छोटी कक्षा में मान लीजिए हम बालक के समक्ष एक बिल्ली की आवाज सुना देते हैं, तो वह उसे सुनकर बता देता है कि यह बिल्ली है। वह उसकी म्याओ म्याओ से अपने मस्तिष्क में एक स्मृति बनाने लगता है और उस स्मृति के साथ उस आवाज को वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है, जिससे कि वह उसकी पहचान बता सकता है। तो इसके द्वारा छात्र अपने स्मृति कल्पना को भी ध्वनि के साथ सहसंबंध करना सीखता है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय बिंदु जो पाठ से आधारित है, उन्हें भी रिकॉर्ड कर किसी भी समय शिक्षण कार्य में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे एक प्रभावशाली कक्षा कक्ष का निर्माण होता है। सामान्य कक्षा में शिक्षक व्याख्यान द्वारा छात्रों को पढ़ाते हैं, परंतु व्याख्यान से छात्र विषय बिंदु को तो जानते हैं, परंतु उसमें रुचि नहीं लेते हैं। वह एक परंपरागत रूढ़िवादी तरीका बन जाता है, जो हर कक्ष के लिए, हर विषय के लिए उचित नहीं है। इसलिए श्रवण साधन का प्रयोग कर शिक्षक अपने विषय अनुसार कक्षा कक्ष को प्रभावशाली बनाता है। वह कक्षा में एक नया आनंद, जोश और रस लाता है, जिसमें छात्र भी रुचि लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक नयापन महसूस होता है। इसलिए कक्षा कक्ष में हमेशा नए नए साधनों का, शिक्षण सामग्री का शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, जो छात्रों पर अमिट छाप छोड़ सके। आशा करती हूँ यह विषय बिंदु आपको समझ में आई होगी। अगले कक्षा में हम अन्य साधनों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।